Silah çekti. Baran, Baran iyi mi? Sen yine mi burnumuzun dibinde bittin? Yeter! Artık buradayım. Hiçbir yere gitmiyorum. Doğurur. Nefret, nefret doğurur. Başından beri sen haklıydın abi. Hello friends. Welcome back to my channel. With the new promo of Kaan Çocukları episode 56. So friends, Kaan Çocukları ki next episode ki story to bohut hi zyada exciting hai. जी हाँ फ्रेंड्स, जब दिलान बारान को बताती है कि अब ना तो इसके पास कोई घर है और ना ही कोई जमीन, तो फ्रेंड्स बारान दिलान से कहता है कि तुम बारान काराबे की वाइफ हो और मेरा घर और मेरी जमीन सब तुम्हारा ही तो है। और फाइनली फ्रेंड्स बारान फिर से दिलान को घर वापस ले आता है। आफ्टर डैट फ्रेंड्स बारान के साथ कोई इंसिडेंट पेश आ जाता है तो इसकी दादी माँ इसके लिए बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। और इधर दरिया इन सब के लिए दिलान को ब्लेम करती है और कहती है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, यहाँ से निकल जाओ। लेकिन फ्रेंड्स नेक्स्ट एपिसोड में तो दिलान हमें बहुत ही बड़ा शॉक देने वाली है। फाइनली फर्स्ट टाइम दिलान खुद को डिफेंड करते हुए दरिया को पुश करती है और कहती है कि ये मेरा घर है और मैं यहाँ से कहीं भी नहीं जाने वाली। तो फ्रेंड्स दिलान का ये स्टेप किस किस को अच्छा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और इधर दिलान बारान से कहती है कि नफ़रत नफ़रत को और बदलाव बदले को जन्म देता है, तो किसी को तो ये सब ख़त्म करने में पहल करनी होगी। और फाइनली फ्रेंड्स नेक्स्ट एपिसोड में बारान और जेहान की भी सुलह हो जाती है। दोनों भाई एक बार फिर से एक दूसरे को हक करते हैं और बारान अपनी दादी माँ और दरिया के सामने ये कन्फेस करता है कि दिलान मेरी वाइफ है और वो यहाँ से कहीं भी नहीं जाएगी। तो फ्रेंड्स कान से चिकरी की नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए कौन कौन एक्साइटेड है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स कैसे लगी आज की वीडियो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और इस तरह की मज़ीद नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।